आ जाओ आ जाओ, शॉर्टकट। हेलो आवाज दिया, आवाज दिया यार, एक हाथ में कुछ चाहिए होता था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रहा हूँ बोर डैम, जो कि हल्द्वानी से लगभग 35 किलोमीटर के लगभग है, गुल्लर बोच का एरिया पड़ता है, बहुत बड़ा डैम है। तो वहाँ पर हम करने वाले हैं एडवेंचर ऑफ रोडिंग। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चले भाई। तो जब पक्षी कटे किया लगभग बहुत यहाँ पर देना पड़ता है 50 रुपए क्या टोल। पक्षी है जंगलात की, वैसे तो मर्जी है, वैसे जा सकते हो, लेकिन जंगल से जा रहे हैं तो 50 रुपए देने में कोई नुकसान नहीं है। मेन जो डैम है वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है इस जगह से। चले यहाँ से चलाऊंगा मैं। एक मिनट सुस्ता लिया जाए, जगह कितनी खूबसूरत है ना जी। अब ये रास्ता यहाँ को जो गया ये सीधे जा रहा है गुल्लर बोच को, और इधर वाला जाता है लामा चौर को पीपल पड़ाव होते हुए। ये दिखाओ एक मिनट हमारे व्यूअर्स को, कितना खूबसूरत इलाका है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। चले फिर। क्या खूबसूरत जंगल है यार, मजा आ गया। ये जो है ना हरिपुरा जलाशय है, ठीक है, दो तीन यहाँ पर अलग अलग डैम है। चलो बैठो फटाफट, एक शॉर्ट ब्रेक लिया है हमने। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए आप, पीछे पानी शुरू हो चुका है, आगे जाके ये बहुत बड़ा डैम है, बहुत पानी है इसमें। अब यहाँ तक आए हैं और ऑफ रोडिंग ना करें, कुछ विचित्र ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पीछे आपको ये स्लोप देख रही होगी, ढलान कैमरे पर पता नहीं कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत पर है खतरनाक ढलान है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से जिप्सी नीचे डाल के सीधे दूसरी रोड पे लेके जाऊंगा। हाँ भाई, यार बढ़िया वीडियो बनाना, ठीक है यहाँ से। बैग तो निकली इस पर, देखो पता चला निकले ही ना फिर। इधर तो बहुत जल्दी हो गई असिस्टेंट बेटा, अब पलटी तब पलटी पता लगे, आगे को चल जा। चलो आओ उधर दिखाओ कहां से आए हैं अभी हम। चलो अब आने वाला है डैम का जो मेन हिस्सा है, बहुत खूबसूरत नजर आएगा, आप खड़े होके यहां से वीडियो बनाओ।
क्या खूबसूरत नज़ारा है, पानी ही पानी। और जैसे मैं हवा चल रही है ना तो पूरी लहरें उठ रही हैं पानी में। मेवाड़ी जी कैसा लगा? बढ़िया लगा सर। मजा आ रहा है? एक सवाल है मेरा। क्या सवाल है? इस डैम में इतना पानी कहाँ से आता होगा? और ये हिल्स के कैसे? ये जितने हमारे पहाड़ है ना उत्तराखंड के जी। ये जो हमारे जो हल्द्वानी लामा चौक ऊपर से जो पूरा एरिया है कालाडूंगी सबका पानी बरसातों का बह के यहाँ आता है और यहाँ इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से यूपी तक इसके लिए जाता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। सच में ये लोकेशन ऐसी है ना कि यहाँ पर मन कर रहा है कि पूरा दिन बैठ लिया जाए। एक बार आप लोगों का गुल्लरबोस डैम बौर डैम में आना बनता है, यहाँ आके ना दिल खुश हो जाएगा आपका। अब एक जगह और खतरनाक जगह हम लोग उतारने वाले, गाड़ी यहाँ से नीचे वहां दिखाओ, उससे भी खतरनाक नीचे दिख रहे बच्चे खेलते हुए, वहीं सीधे गाड़ी ले जाएंगे, तुम ऐसे ऐसे आना ठीक है, बैठो सोनू, डरोगे तो नहीं ना? आदत पड़ गई ठीक है। अब यहाँ से और वहां से वो नीचे शॉर्टकट यहाँ से, ये देख लो कितनी ढलान है, नहीं इससे आइडिया हो जाएगा ना, देखो ये ऐसे में ठीक है ना, नीचे नीचे को जाओ, सही जा रहा है हैंडल। बड़े दिनों बाद इस ताला तो मजा आ रहा है। आजा आजा आया मजा देख के भाई, आया मजा आया, बैठो फिर बैठो। चले आओ, यह है बौर डैम का पार्किंग वाला एरिया, यहां से अभी ऊपर को हम जा रहे हैं, वहां से एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ शानदार नज़ारा बौर डैम का, और शॉर्टकट मारेंगे यहाँ से, आ जाओ शॉर्टकट। हाँ ये देखिए क्या नज़ारा है डैम का। अभी एक टेंशन है हमारे साथ, हम लोग करना चाह रहे हैं यहाँ पर बोटिंग स्पीड बोट में, और जो जिप्सी है वो खुली हुई है, उसमें काफ़ी सामान है और महंगा सामान है, वो पीछे खड़ी हुई है पार्किंग में। तो अब मैं सोनू को समझाता हूँ कि कैसे जिप्सी में सामान रखना है ताकि वो भी आ जाए, क्योंकि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर अकेले। सर बात करें, हाँ सोनू ऐसा है, ये जो जिप्सी में जो भी सामान पीछे रखा है ना, इसको आगे कुछ उसमें रख लो अगली सीटों पर, और पीछे से जिप लगा दो पूरी, और उसको बता देना भैया हमारा ये सामान इसमें रखा है, ख्याल रखिएगा ये जो पार्किंग वाला है ठीक है, फिर आ जाओ बोटिंग के लिए चल गए। तो अभी स्पीड बोट में जाने का डिसाइड हुआ है, और जिस कंपनी के थ्रू हम कर रहे हैं उसका नाम है टीरी एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स देहरादून। बस सोनू और महेश आ रहे हैं, बस उसके बाद शानदार अनुभव होने वाला है, शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। अबे हेलो, क्या बुड्ढों की तरह आ रहे हो, जल्दी आओ यार, ऐसे स्लो स्लो आ रहे हैं ना दोनों। पर एक मैडम है वो कह रही है जैकेट डालो, और बड़े साइज की चाहिए मेरे को, आप छोटी मोटी नहीं आती। अबे मेरी तो सांस बंद हो जा रही, एक जैकेट है टाइट, तो मुझे इसके स्ट्रैप ढीले करने पड़ेंगे क्या? स्ट्रैप का तो ऑप्शन ही नहीं है ढीले करने का। अबे पेट पिचकने लग गया इसमें, मोटे आदमी के लिए यही दिक्कत है। मैडम बड़े साइज की नहीं है इससे? चलो भाई, एक्साइटेड
बैठ जाओ भाई। ये चलो आ जाओ मैं बगल में रखो। तो बोट चलने वाली है, बोट स्टार्ट हो चुकी। सच में इतना मजा आ रहा है ना, क्या ठंडी ठंडी हवा, क्या व्यू, गजब। वहां जाना हम लोग उधर उधर ये पहुंच गए हम वापस। आया मजा जी। क्या व्यू है यार, उधर देखो पीछे, ये जो है ना बोट में पानी के बीच में जो ये जो व्यू आ रहा था ना, ये था यार एक्सीलेंट। क्यों मजा आ गया। फिर आएंगे अब बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे। ये जो सीनरी है ना, इसे देख के मन कर रहा जाने का? नहीं सर, अच्छा लग रहा है, यहीं को बैठा जाए क्यों। तो उम्मीद है ये जो बोटिंग करी है अभी हमने स्पीड बोट में, देख के मजा आया होगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार एक्टिविटी है। और सही बात बताऊं कि यहाँ की जो सीनरी है ना, वो सीनरी गजब की है। इसे देख के बिल्कुल मन ही नहीं होगा कि यहाँ से हम जाएं। मैं ऐसी जगह में डेली आ सकता हूँ, शाम को डेली बिना बोर हुए मैं महीनों तक बैठ सकता हूँ इस जगह पर। बस तो अब जाने का टाइम हो गया है, अब चलते हैं यहाँ से और रास्ते में कहीं पर ना बैठ के कुछ खाने के इंतजाम करते हैं जी। चलो बाय बाय बोलो बॉर्ग डैम को, बाय बाय। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया यहाँ पर। तो हम लोग डैम से वापस आ चुके हैं और एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन में हमने लगाई है अपनी जिप्सी। और पीछे का देखिए व्यू, और कुर्सियाँ निकाल ली हैं यहाँ पर, अभी हम आराम से कुर्सी में बैठने वाले हैं और उसके बाद बनाने वाले हैं हम यहाँ पर फिश फ्राई, वो खाएंगे और उसके बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम निकलेंगे जंगल के रास्ते, इस उम्मीद में कि कोई वाइल्ड लाइफ हमें वहाँ पर नजर आ जाए। मेरी प्यारी सी जिप्सी, बहुत साथ दिया इस जिप्सी ने मेरा, 2014 में ब्रांड न्यू ली थी और आज तक मस्त चल रही है। मस्त इसलिए चल रही है कि ऑब्वियसली मैं इसको मेंटेन करता हूँ, बट ये मुझे मर्सिडीज भी अगर मिले इसके बदले तो मैं कभी इसे देने वाला नहीं हूँ। सामान निकलना शुरू हो चुका है, ये डाली जा रही है मछलियाँ, डालो 10-12 पीस डालो बस। यहाँ पर ना इस समय अगर ये इसमें कैमरे में दिख रहे हैं मच्छर घूम रहे, इतने लाखों मच्छर हैं। अब मैं जल क्यों नहीं रहा, ये चढ़ 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 आवाज है लग गई। इसमें ना जो चट चट की आवाज आ रही है ना, ये मच्छरों की आवाज आ रही है। ये देखो देखो, एक आध मच्छर तो आ भी गए। हाँ ये पूरा वो हो गया। आज ब्रेड क्रम्स की तरह ना, ब्रेड क्रम्स जो डालते ना उसकी जगह मच्छर क्रम्स वाला डालने वाले इसमें। आए वो सब एक संग ही डाल दिया। भाई ये है मछली तैयार, दो पीस इसमें और आने वाले हैं। अब बिल्कुल गर्मा गर्म ऐसी होगी ना,
मजा आ गया। एक अब ऊपर को दिखा दो एक ना, पूरे दिन मौज मस्ती के बाद अगर थोड़ा सा इस तरह का खाना मिल जाए तो समझ लो कि पैसे वसूल हो जाते हैं। क्यों जी? और लेकिन इसमें मच्छर का भी जो स्वाद आना है ना, क्या स्वाद आ गया यार, मजा आ गया, सच बता रहा हूँ। तो हमने बर्तन वगैरह सब समेट लिए अपना, कोई कूड़ा वूड़ा तो नहीं बचाना यहाँ पर, सारे प्लास्टिक वगैरह हमने यहाँ से समेट लिए, आपने भी समेटने चाहिए। तो अब चलेंगे यहाँ से हम सीधे जंगल के रास्ते हल्द्वानी की तरफ, उम्मीद कीजिए कि कोई जानवर दिख जाए तो आज बाकी के पैसे भी वसूल हो जाएंगे। चलो ब्रदर जी, चलो। अभी एक प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग यहाँ पर गेट लगा हुआ है जंगलात का, और ये पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह को रोका हुआ है तो गेट बंद किया हुआ है। और मैंने ये फॉरेस्ट वालों से बात करी तो कह रहे हैं अभी वेट करो, पहले सारी गाड़ियां जाएंगी उसके बाद हम गेट खोल पाएंगे। आ गए भाई साहब, आ गए। चलो मैं ऑन करता हूँ। तो एट लास्ट जंगलात वाले आ गए हैं, ये खोल दिया। रात के समय देखिए कैसा दिख रहा है ना रास्ता, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है जंगल है, एक एक सिंगल जानवर नहीं दिखाई दिया अभी तक। अभी हम एकदम घने जंगल में रुके हुए हैं, मुझे खरगोश दिखाई दिए हैं तो मैं उसको नजदीक से शूट करना चाह रहा हूँ। आवाज दिया, आवाज दिया यार, एक हाथ में कुछ चाहिए होता ना। हिरन विरन दिख जाता ना मजा आ जाता। घना जंगल है लेकिन यार गाड़ी से तकने में लगती वही डर है ना। नहीं मुझे तो समझे नहीं, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ लेकिन फिर भी डर हमेशा लगता भाई। ये देखिए खरगोश का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। काफी देर से हम लोग जंगल के अंदर घूम रहे हैं पर खरगोश के अलावा आज कुछ दिखाई नहीं दिया है। अब 3-4 किलोमीटर और बचा मेन रोड आने तक, कुछ दिख गया तो ठीक है, नहीं तो आज समझ लो कि बैड लक ही खराब है। कोई नहीं कोई नहीं, याद रखेंगे अगली बार। हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी रुद्रपुर हाईवे पर। अभी अभी हम पीछे जंगल से निकल के आए हैं। जानवरों के मामले में आज लक कुछ खास नहीं रहा, एक जानवर नहीं दिखाई दिया, बस 2-4 खरगोश दिखाई दिए। लेकिन उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में जब हम कभी भी दोबारा आएंगे तो हमें ज़रूर दिखाई देंगे। तो उम्मीद है आज का जो एडवेंचर वीडियो था हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। बौर डैम की सीनरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।